हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली। स्वागत है आप सभी का मैट न्यूज शो में। आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट, जहां हम आपको बताएंगे अगले एक महीने में आने वाली फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में। इस बीच अगर कोई भी फिल्म थिएटर पर रिलीज होगी तो वो भी इस लिस्ट का हिस्सा है। शुरू करने से पहले बता दें कि ये लिस्ट आपके लिए बनाई है हमारे साथी यमन ने। सबसे पहले कोल्ड केस, नदी के किनारे हरी घास के बीच किसी को क्या मिल सकता है। दिमाग पर जोर लगाकर अगर आप किसी सुंदर चीज को इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि पुलिस को इसी हरी घास के बीचों बीच मिलती है एक इंसानी खोपड़ी, गार्बेज बैग में लिपटी हुई। केस असाइन होता है इंस्पेक्टर सत्यजीत को। सत्यजीत जो खुद एक रहस्यमय शख्सियत है, किसी के लिए जेंटलमैन है तो किसी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पहली नजर में ओपन एंड शट मर्डर केस लगने वाले इस केस के तार अंधविश्वास और इंसानी मान्यताओं तक जाते हैं। सत्यजीत वहां तक पहुंच पाता है या नहीं, ये फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म ने ज्यादा कुछ रिवील न करते हुए अपने प्लॉट के इर्द गिर्द बने सस्पेंस को बरकरार रखा है। ट्रेलर देखकर फिल्म देखने की इच्छा जरूर जागती है, लेकिन फिल्म उस इच्छा को कितना निभा पाएगी, साध पाएगी, ये 30 जून को पता चलेगा, जब ये मलयालम फिल्म Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होगी। फिल्म में सत्यजीत का किरदार निभाया है मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन ने। दूसरी है हसीन दिलरुबा। दिनेश पंडित राइटर हैं, अजीबोगरीब नामों वाली नॉवल लिखते हैं, जैसे डकैती 60 लाख की, प्यार का आतंक, कसौली का कहर, इत्यादि। इनके नॉवेल्स की फैन है रानी कश्यप, हरिद्वार में रहती हैं। रानी के पति हैं ऋषु, सीधे साधे आदमी, दिल लगाकर प्यार करते हैं उससे, लेकिन रानी के सपनों का प्रिंस चार्मिंग ऋषु की इमेज से बिल्कुल उल्टा था, कोई हंक किस्म का। शादी के बाद ही सही, लेकिन रानी का ड्रीम मैन रानी की जिंदगी में एंट्री मार लेता है। रिवर राफ्टिंग के दौरान रानी की मुलाकात होती है नील से। रानी को पसंद आने वाली सारी क्वालिटीज है नील में। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका पता चल जाता है रानी के पति ऋषु को, लेकिन बेचारा ऋषु नील के आगे कुछ नहीं कर पाता और नील उनके घर में घुसकर उनको मार मार के नीला कर जाता है। कुछ दिन बाद घर में धमाका होता है और ऋषु के चिथड़े उड़ जाते हैं। पहली शक्ति सूझ जाती है रानी कश्यप पर। पुलिस थाने में रानी से पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है। यहाँ नील फरार हो जाता है। ये केस आगे क्या मोड़ लेता है, यही फिल्म आगे बताएगी। और क्या जो आंखों को दिख रहा है सिर्फ वही सच है, इसका जवाब भी 2 जुलाई को मिलेगा, जब फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। तीसरे है द टुमारो वॉर। क्रिस प्रैट, हॉलीवुड एक्टर, ये नाम सुनते ही एक इमेज आती है दिमाग में, गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वाले स्टार लॉर्ड की। वो स्टार लॉर्ड जिसका ह्यूमर बरकरार रहता है, चाहे फिर सामने परिस्थिति कैसी भी हो। स्टार लॉर्ड का ह्यूमर क्रिस की पर्सनालिटी के साथ भी जचने लगा, क्योंकि द टुमारो वॉर में इंसानियत जंग पर है, फिर भी क्रिस का किरदार अपना ह्यूमर नहीं छोड़ रहा। जंग का जिक्र हुआ, लेकिन ये जंग किसी दूसरे देश से नहीं, जंग है भविष्य से आए जीवों से, जिनसे अगर इंसान नहीं जीते तो करीब 11 महीने बाद धरती पर एक भी बच्चा देखने को नहीं मिलेगा। इन जीवों से लड़ने के लिए लोगों की जरूरत है। क्रिस का किरदार पहले आर्मी में रह चुका, जाहिर तौर पर उसे भी लड़ने के लिए बुला लिया जाता है। ये लोग भविष्य में जाकर जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं वो आखिर है कैसा, ये आपको फिल्म देखने पर पता चलेगा, जब ये 2 जुलाई से Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। कहानी जैसी भी हो, लेकिन ट्रेलर देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि फिल्म फुल ऑन एंटरटेनिंग होने वाली है। चौथी है एटिपिकल सीजन 4। ऑटिज्म, वो डिसेबिलिटी जिसमें शख्स ठीक से कम्युनिकेट तक नहीं कर पाता। शो का सेंट्रल कैरेक्टर सैम भी इसी डिसेबिलिटी से जूझ रहा है। ऑटिज्म की वजह से उसकी फैमिली उसका खास ध्यान रखती है, ओवर प्रोटेक्टिव है, खासतौर पर उसकी माँ। लेकिन अब सैम बड़ा हो चुका है, कॉलेज जाने वाला है, एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या वो खुद इस बदलाव के लिए तैयार है। पता चलेगा इस लाइट हार्टेड फील गुड शो में, जब इसका चौथा और फाइनल सीजन 9 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा। शो की टैगलाइन है, नॉर्मल होने का क्या मतलब है। इस सवाल का जवाब ढूंढने वाला अकेला सैम नहीं है, और भी टीनेजर्स हैं जो अपने अपने ढंग से इस सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। पांचवी है हाउ टू बिकम अ टायरेंट सीजन 1। हिटलर, ईदी अमीन, जोसेफ स्टालिन, इन नामों में क्या कॉमन था। यही ये सब तानाशाह थे, जिन्होंने लोगों के हुजूम को सपने दिखाए एक बेहतर जिंदगी के। वैचारिक स्तर पर जूझ रहे समाज के बीच ही जाकर खड़े हो गए और खुद को एक मसीहा की तरह प्रोजेक्ट किया कि जैसे समाज और देश की सारी समस्याओं का हल बस इन्हीं के पास है। ऐसे अनेकों तानाशाहों ने जो किया वो आज इतिहास में सबक के तौर पर पढ़ाया जाता है। लेकिन कोई भी तानाशाह कैसे बनता है, खुद को मसीहा दिखाकर, लोगों का भरोसा जीतकर या विरोधी आवाजों का दमन करके। कुछ स्टडीज मानती हैं कि जो भी हिटलर ने किया वैसा ही लाखों जर्मन्स के मन में था।
बस वो हिटलर जैसे किसी प्रतिनिधि का इंतजार कर रहे थे जो उनके मन में दबी बात को माइक पर चिल्ला चिल्ला कर बोल सके। ये डॉक्यू सीरीज एक तानाशाह के बनने के पीछे छुपे पैमानों को नापने की कोशिश करती है। नरेट किया है गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर पीटर डिंकलेज ने। सीरीज रिलीज हो रही है 9 जुलाई को, वो भी सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। अब गन पाउडर मिल्कशेक, जॉन विक टाइप यूनिवर्स लेकिन फीमेल सेंट्रिक और उतना डार्क नहीं, थोड़ा फन किस्म का। अगर एक लाइन में इस शो को डिस्क्राइब करना हो तो शुरू में इसका डिस्क्रिप्शन जो दिया गया वो फिट बैठता है। एवा फिल्म की सेंट्रल कैरेक्टर है, एक असैसिन जिसे अब एक 8 साल की बच्ची को बचाना है। बच्ची की एंट्री उसकी लाइफ में कैसे हुई, इस सवाल को फिल्म के प्लॉट के लिए छोड़ दिया गया है। बच्ची को बचाने के चक्कर में एवा के पीछे बहुत लोग पड़ जाते हैं जो हर हालत में बस उसे मारना ही चाहते हैं। एवा अपनी माँ की मदद लेती है जो खुद अपने जमाने में एक असैसिन रह चुकी है। एवा की माँ का रोल प्ले किया है गेम ऑफ थ्रोन्स की सर्सी लैनिस्टर यानी कि लेना हेडी ने। फिल्म का ट्रेलर देखकर आपको जॉन विक यूनिवर्स की याद आ जाएगी क्योंकि यहां भी असैसिन्स की अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी है। ये लोग लाइब्रेरी की पुरानी किताबों में अपनी बंदूकें रखते हैं। बाकी ट्रेलर देखकर यही लग रहा है कि फिल्म एक फन राइड होने वाली है। खूब गोलियां चलेंगी, एक्शन होगा, लेकिन आपको मजा आएगा, सिर्फ मजा। फिल्म 14 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। सातवीं है तूफान। रंग दे बसंती और दिल्ली 6 के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने 2013 में एक स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म बनाई थी भाग मिल्खा भाग। फिल्म क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस साबित हुई। दिवंगत मिल्खा सिंह की बायोपिक में फरहान अख्तर ने उनका किरदार निभाया था। अब फरहान और राकेश ओम प्रकाश मेहरा की जोड़ी ही ये तूफान लेकर आ रही है। तूफान की कहानी एक लोकल गुंडे के इर्द गिर्द घूमती है जो बॉक्सर बनना चाहता है, लेकिन अपनी पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ आगे बढ़ पाएगा या फिर नहीं, इसका जवाब फिल्म ही देगी। तूफान सीधा Amazon प्राइम वीडियो पर आ रही है, वो भी 16 जुलाई को। हालांकि इससे पहले अनाउंस किया गया था कि फिल्म 21 मई से Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन किसी वजह से इसकी रिलीज डेट पुश कर दी गई। फरहान के अलावा फिल्म में आपको मृणाल ठाकुर, परेश रावल और विजय राज भी अहम रोल्स में दिखाई देंगे। आठवीं है डीप। यार कुछ दिन कम नींद लोगे तो क्या ही हो जाएगा। अगली बार आपको कोई दोस्त, बॉस या प्रोफेसर ऐसी बातें कहे तो उन्हें ये फिल्म रेकमेंड कीजिएगा। फिल्म खुलती है थाईलैंड के 4 स्टूडेंट से। एक जर्मन फार्मेसी कंपनी है जो अपने नए ड्रग को टेस्ट करना चाहती है। वॉलंटियर इन्हें चाहिए, बदले में खूब सारा पैसा देने को रेडी है। इन 4 स्टूडेंट्स को बस ड्रग टेस्ट के बारे में पता चलता है। 4 तैयार हो जाते हैं, आखिर बिना कुछ किए इतना पैसा मिल जो रहा है। लेकिन यहां भी एक कैच है, इस ड्रग टेस्ट के बाद ये बच्चे सो नहीं सकते। अगर सोने की कोशिश करेंगे तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। इनके पास पूरे 24 घंटे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ऊपर से इसका पैसा भी मिल रहा है। बस अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। वो नींद जो आराम हराम है जैसी कहावतों के चक्कर में वैसे ही बदनाम है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी नींद को कुर्बान करके क्या पा रहे हैं, क्या खो रहे हैं, वही ये थाई थ्रिलर फिल्म एक्सप्लोर करना चाहती है। फिल्म 16 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। टेड लासो सीजन 2 शुरू होता है अमेरिका की कॉलेज फुटबॉल टीम के कोच टेड लासो से, जिसे इंग्लैंड से बुलावा आता है। एक लड़खड़ाती हुई इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम है। टेड को कहा जाता है कि इसे कोच करो। टेड, जिसका प्रोफेशनल फुटबॉल से कोई एक्सपीरियंस नहीं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा और इस दौरान उनके साथ क्या कुछ होगा, यही शो का प्लॉट है। शो में टेड के रोल में दिख रहे हैं जेसन सुडेकिस। जेसन अपने काम के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी जीत चुके हैं। ऑडियंस ने शो को इतना पसंद किया कि ये 2020 में आए बेस्ट शोज की लिस्ट में कई मौकों पर शुमार हो चुका है। इतना ही नहीं, शो ने इस साल के गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट टेलीविजन एक्टर इन म्यूजिकल और कॉमेडी सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया। 2020 में शो का पहला सीजन आया था, अब दूसरा आ रहा है, वो भी एप्पल टीवी प्लस पर। शो के सभी 12 एपिसोड्स आप 23 जुलाई से स्ट्रीम कर पाएंगे। लिस्ट में आखिरी नाम बेल बॉटम का। लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि अक्षय कुमार की यह फिल्म थिएटर का रास्ता छोड़ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। खबरों में बताया जा रहा था कि मेकर्स Amazon प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ लगातार नेगोशिएट कर रहे हैं। उम्मीद थी कि फिल्म इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, लेकिन ये सब थी अटकलें जो धरी की धरी रह गई। फाइनल न्यूज ये है कि बेल बॉटम 27 जुलाई को सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय और मेकर्स ने यह फैसला डिस्ट्रीब्यूटर्स को ध्यान में रखते हुए लिया है, जिन्हें पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी काफी नुकसान हो चुका है। बेल बॉटम एक पीरियड स्पाई थ्रिलर है जिसकी कहानी 70-80 के दशक में सेट है। 2020 में कोरोना वायरस की वजह से
जो लॉकडाउन लगा, शुरुआती लॉकडाउन, इसके बाद शूट होने वाली ये पहली हिंदी फिल्म थी। इसे स्कॉटलैंड और उसके आसपास के इलाकों में शूट किया गया है। फिल्म में अक्षय के अलावा वाणी कपूर, हुमा कुरैशी, लारा दत्ता और आदिल हुसैन जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रंजीत तिवारी ने। रंजीत इससे पहले लखनऊ सेंट्रल जैसी सेंसिबल फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। वो 2011 में आई अक्षय की फिल्म पटियाला हाउस में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। आज के मैटनी शो में आपके लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।